ये सारा से अत्याय किया जा रहा है गरीबों के साथ। इस पर विचार होगा, इस पर सरकार हेमंत जी का नहीं आ पाएगा। इस हाल में अगर मेरी माँ को कुछ हो जाएगा ना, सच बता रहे हम, आप पे केस ठोकेंगे, हम सच बोल रहे हैं। सर क्या कर रही हो ये? बेटा अभी ऑटो चलाते हैं, इतना हम लोग बड़े आदमी नहीं है भैया कि हम लोग तुरंत में कहीं भी चले जाएंगे। क्या हुआ है हम अंदर देखिए, लोग किस तरह से परेशानियों में छोटे छोटे रूम में रह रहे थे और इसी में अपना जो परवरिश कर रहे थे, लेकिन रेलवे का जमीन है उसको बिना नोटिस दिया हुआ तोड़ दिया गया। कड़कड़ाती ठंड में अतिक्रमण में रह रहे लोग आज हो गए बेघर। जी हाँ, रांची के बिरसा चौक में पिछले कई सालों से अतिक्रमण कर रह रहे लोगों ने आज की सुबह अपने आसियाने को टूटते हुए देखा। यह उनके लिए एक भयावह मंजर था। रांची के बिरसा चौक के पास पिछले कई सालों से अतिक्रमण कर रह रहे लोगों को रेलवे प्रशासन द्वारा घर को खाली कर बुलडोजर से मकान को तोड़ने का कार्य जारी है। इस अतिक्रमण के दौरान हमारे संवाददाता ने वहां के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम लोग प्रशासन से एक दो दिन का समय मांग रहे थे, लेकिन उन लोगों ने हम लोगों की एक न सुनी और धड़ाधड़ घर की दीवारें तोड़ने लगे। उसी समय वहां की महिलाएं पुलिस के साथ तूतू मैमे भी करती दिखी। वहीं स्थानीय लोगों ने जमकर राज्य सरकार की विधि व्यवस्था को कोसा है। हमारे संवाददाता ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सदर से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मेरी अथॉरिटी नहीं है, नोटिस दिया गया था लेकिन इन लोगों ने घर खाली नहीं किया, आप रेलवे अधिकारी से बात कीजिए। वहीं उपस्थित रेलवे अधिकारी हमारे संवाददाता से बात करने से बचते दिखाई दिए। बता दें कि रांची के बिरसा चौक में अतिक्रमण कर रह रहे सैकड़ों लोग आज बेघर हो जाएंगे। कौन देगा इन लोगों को कड़कड़ाती ठंड में अपना आसियाना? खबर 365 न्यूज के लिए रत्नेश सिन्हा के साथ सूरज वर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, आप देख रहे हैं खबर 365 न्यूज। इस वक्त राजधानी रांची के बिरसा चौक में मौजूद है और बिरसा चौक में ठीक मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये जो आवाज जो है ये टूट रहा है। ये बिरसा चौक में रेलवे का जमीन को जो है उस पर अतिक्रमण कर लोग रह रहे थे, उनको कई बार नोटिस दिया गया। आज रेलवे के द्वारा जो है अतिक्रमण को दो JCB के लगाया गया है और उसको अतिक्रमण जो है वो हटाया जा रहा है। हालांकि काफी पुलिस को जब यहाँ पहुंची थी तो मशक्कत करनी पड़ी थी। दीदी दीदी आपको कभी टूट रहा? भैया जी बोलिए। हाँ, मेरा भी टूट रहा है। समय आप समझिए भैया जी, थोड़ा सा सामान तो आप लेडीज ही जाइए। आप जाइए, जाओ सामान का लाना है। बहुत सामान है ना भैया, आप लोग नहीं समझ रहे ना। जब भैया आप क्या हुआ, भैया क्या हुआ बोल रहे हैं, बहुत बुरा बोले आप। देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग जो है वो करने नहीं दिया जा रहा है। क्या देख सकते हैं कि महिला और जो है RPF की महिला पर और जो है वो तैनात है। क्या हुआ, क्या हुआ बोल रहे? आज भर समय देने के लिए लोगों को मोहलत की, आज भर सब सामान को हटा लेते, उसके बाद जितना तोड़ना है तोड़ दे। तो आप लोगों को पहले से नोटिस दिया गया था ना? बार बार नोटिस तो दिया गया था, लेकिन आ करके बुलडोजर ही लगा लगा अचानक तो क्या मालूम था। आज इन लोग जो है कह रहे हैं कि अचानक नहीं तोड़े, नोटिस दिए थे उसके बावजूद आप लोग सामान निकालने नहीं दिया जा रहा है। आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लोग सुनिए ना भैया जी, आप लोग नहीं सुन सकते हैं, आप एक दिन का मोहलत नहीं दे सकते हैं। कभी तो मोहलत कहीं भी होना चाहिए, एक दो रोज का भी तो मोहलत होना चाहिए। ये बताइए आप लोगों को नोटिस कई दिनों से दिया? हम लोग को नहीं दिया गया, उस तरफ दिया गया था, लाइन के उस पर दिया गया था, उसमें लिखा हुआ था कि अभी पढ़ सकते हैं, किसी के पास होगा नोटिस तो, कि लाइन बिछाने के क्रम में खाली कर दी। तो वहाँ हम लोग देखे कि आधा तोड़ रहे हैं, वहाँ भी पूरा फूल नहीं टूटा, अभी देख रहे हैं आधा टूटा, तो हम लोग को लगा ना कि उधर लाइन बिछाना है इसलिए तोड़ा जा रहा है। अच्छा ये बताइए आप लोग समय मांग रहे, पुलिस प्रशासन सुबह यहाँ पहुंची तो अचानक तोड़ने लगे या कुछ आप लोग से बात की? कल खाली शाम को 4-5 बजे अनाउंसमेंट हुआ था, हम लोग बोले समय मांगे नहीं तोड़ना है तोड़ना, सुबह भी बोले हैं कि हम लोग को कम से कम हफ्ता दिन 10 दिन जो भी समय देना है दीजिए। अच्छा रांची के विधायक या सांसद कोई भी पहुंचे थे अभी? ना, कोई नहीं पहुंचे। अच्छा ये लोगों का दुख जो है वो कौन बांटने को पहुंचेगा? ये लोग जो है गरीब तबके के लोग हैं, रेलवे के जमीन में जो है अतिक्रमण कर रह रहे थे, लेकिन जो है रेलवे के द्वारा इनके आवाज को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इन्होंने कहा भी कि मुझे एक दो दिन का समय दे दे, मतलब सामान ले आएंगे। हालांकि अब देखिए कि जो सामान जो है वो अंदर में है, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा 2 JCB लगा के तोड़ दिया जा रहा है। जब इन लोग सामान लेने जा रहे हैं तो सामान नहीं, छोटे छोटे बच्चे होंगे, उन लोग खाना पीना कैसे कहाँ से चलेगा, उसी में खाएंगे और कहाँ से खाएंगे। अच्छा घर भी तोड़ दिया, घर में तो गिर जाता, बिल्डिंग धस जाता तो मर जाता उसमें। अच्छा घर में लोग भी तो उसके बाद धस आ जाता फिर। देखिए एक बहुत बड़ी लापरवाही है, जैसा कि इन्होंने आरोप लगा रहा है कि लोग घर में थे उसके बाद तोड़ा जा रहा था। आज भर
रिक्वेस्ट कीजिए, प्रणाम किए कि छोड़ दीजिए, आज भर छोड़ दीजिए, उसके बाद हम लोग एक दिन का मोहलत मांगे, एक दो घंटा के लिए, लेकिन सब तोड़ दिया। देखिए सारा चीज तो छोड़ दिया। मजिस्ट्रेट सदर पहुंचे हुए थे, उनसे बात हुई थी आपकी? नहीं, कहाँ हुई। बोला ठीक है तो कर दे रहे, बोला कर दे रहे ना, तो कर दे। चलिए, स्कूटी मजिस्ट्रेट सदर जो पहुंचे हुए थे, इनको समय दिए हैं कि हम थोड़ा सा जो भी टूट गया है उसको तोड़ दिया जा रहा है, हालांकि और जो अंदर का है उसको नहीं तोड़ा जाएगा। हालांकि आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस फोर्स की यहां पे तैनाती भारी संख्या में की गई है, और तकरीबन 4 से 5 लोगों का जो घर था वो टूट चुका है, और कुछ लोगों का अभी जो है टूटना बाकी। आप देखिए, हम अपने कैमरामैन सूरज से कहेंगे कि वो भाई इधर का दिशा दिखाए कि लोग अपने घरों से सामान को जो है बाहर निकाल रहे हैं। लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा। हम लोग को सामान निकालने का मौका नहीं दिया सर। क्या हम लोग को सामान निकालने का मौका नहीं दिया सर। देखिए, किसी का आवास है, ये किसी का घर है, हम यहाँ घुसते हैं अंदर और बात करने की कोशिश करेंगे। दीदी इतने सामान निकाल रहे हैं, अभी आपको कॉलेज में होना चाहिए पढ़ने का, शिक्षा का। सरकार समझेगा तब तो, सरकार समझे तब ना हम लोग कुछ करेंगे। हम लोग को तो यहाँ उजाड़ दिया जा रहा है, यहाँ तक कि थोड़ा सा मोहलत भी मांग रहे, नहीं दिया जा रहा हम लोग को। सीधा हम लोग को कहीं नहीं, रोड पे रहेंगे। जब सरकार को चाहिए था, बोला गया था कि आप लोग का घर टूटेगा, आप लोग को जगह दिया जाएगा, आप लोग को घर दिया जाएगा, आज तक नहीं मिला। और रहा बात नोटिस का, हम लोग इतना घर खाली कर रहे ना, अगर आप लोग को नोटिस मिल जाता है तो हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप बोलेंगे आप लोग तोड़ दीजिए। हम लोग को नोटिस मिला ही नहीं, बिना नोटिस मिलने के बावजूद जो है आवाज तोड़ दिया गया। जब से हेमंत सोरेन का सरकार आया है तब से गरीब लोग को परेशानी ही उठाना पड़ रहा। गरीब लोग उजड़ गया, कभी रोड पे का ठेला हटाओ, कभी फुटपाथ हटाओ, कभी अतिक्रमण करो, घर हटाओ, मतलब गरीब लोग ही यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत करता है। देखिए, घर में सामान भरा हुआ है, हम अंदर देखिए लोग किस तरह से परेशानियों में, छोटे छोटे रूम में रह रहे थे और इसी में अपना जो परवरिश कर रहे थे। लेकिन रेलवे का जमीन है उसको बिना नोटिस दिया हुआ तोड़ दिया गया। रेलवे का जमीन जो था उसको अतिक्रमण था लेकिन तोड़ दिया गया, लेकिन इन्होंने कहा कि बिना नोटिस का तोड़ा हुआ है। हम अंदर देखिए लोग किस तरह से परेशानियों में, छोटे छोटे रूम में रह रहे थे और इसी में अपना जो परवरिश कर रहे थे। लेकिन रेलवे का जमीन है उसको बिना नोटिस दिया हुआ तोड़ दिया गया। रेलवे का जमीन जो था उसको अतिक्रमण था लेकिन तोड़ दिया गया, लेकिन इन्होंने कहा कि बिना नोटिस का तोड़ दिया गया। ये सरकार को भी इस पर सोचनी चाहिए। देखिए लोग अपने घरों से सामान को बाहर निकाल रहे हैं, घरों में देखिए सिलेंडर होगा, यहाँ पे एक छोटा सिलेंडर दिख रहा है घर में, जैसा कि लग रहा है कि आज खाना भी नहीं बना है। खाना नहीं बना, कुछ खाया ही नहीं आदमी, ऐसी है माँ को बार बार रात लग जा रहा है, वहाँ गिरी हुई है, बाहर में है माँ। देखिए लोग का यहाँ पर दांत लग जा रहा है, किस तरह से बुरा हालत है लोगों का, और आप देख सकते हैं कि इनके अब कौन हुए, उनकी बेटी है, मेरी माँ है। अब बेटा जिस भी है, हाँ है, कहाँ गया वो, अंदर सामान निकाल रहा है। एक बेटा है। क्या करता है बेटा? बेटा अभी ऑटो चलाता है। इतना हम लोग बड़े आदमी नहीं है भैया कि हम लोग तुरंत में कहीं भी चले जाएंगे, आदमी समझता ही नहीं है। अच्छा बताइए, आपको बार बार दांत लग रहा है, सरकार जो है आपका घर को जो आप इतने दिनों से रह रहे थे, जिसको मंदिर समझ के रह रहे थे, उस पर तोड़ दिया जा रहा है रेलवे के द्वारा, कहाँ जाएंगे भैया, कहाँ जाएंगे सरकार? हम तो बोले कि हमको सिर्फ समय दीजिए, बोले हमको समय दीजिए, 20 दिन का भी समय दे दीजिए। देखिए लोग यहाँ पे कुछ दिन का समय मांग रहे हैं कि मुझे 2 दिन का समय दीजिए, 20 दिन का समय दीजिए, सामान नहीं हटा पा रहे हैं। आज की रात इन लोगों की कहाँ गुजरेगी, राजधानी रांची में जो ठंड का जो आप देख रहे हैं कि ठंड भी जो है वो बहुत पड़ रहा है, लोग आज ठंड में जो है राजधानी रांची की रोड पर रहेंगे। यहाँ जो बिरसा चौक में जो अतिक्रमण कर रह रहे थे वो लोग आज रात में कहाँ रहिए, कहाँ रहेंगे, देख ही रहे आप लोग, कहाँ घर ही नहीं है, घर भी है तो वो भी घर उन लोग छोड़ नहीं रहे, थोड़ा सा टाइम देने बोल रहे वो भी नहीं कर रहे, हम लोग ठंडे में मरेंगे, इनका दमा का पूरा बीमारी है, थोड़ा सा ठंड बर्दाश्त नहीं होता इनसे, कैसे रहेंगे हम लोग। देखिए फिर से उनको देखिए दांत लग गया, और दांत जो है वो लग जा रहा है। किसी का भी अगर घर टूटेगा तो जाहिर तौर से बात है कि लोगों में उदासी छाएगी। देखिए इनकी जो बेटी है, बेटा है, वो देखिए अपनी माँ को
इधर जांच लग जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से ना कोई रहम खा रहा है, ना रेलवे की तरफ से, ना फिर कोई सरकार की तरफ से यहाँ पर आ रहे हैं जो यहाँ के नेता लोग हैं, ना वो कोई पहुँच रहे हैं। किस तरह से पुलिस के छावनी में सिर्फ तब्दील है रांची का, जो बिरसा चौक जो देख रहे हैं, और बिरसा चौक में जो रेलवे के जमीन में जो पुलिस के छावनी में सिर्फ तब्दील है रांची का, जो बिरसा चौक जो देख रहे हैं, और बिरसा चौक में जो रेलवे के जमीन में जो किया जा रहा है सर, ये सारा सर अत्याय किया जा रहा है गरीबों के साथ। इस पर विचार होगा, इस बार सरकार हेमंत जी का नहीं आ पाएगा। इस हाल में हम लोग को कभी कभी भी कोई चीज का सुविधा नहीं मिला, अब तो आप लोग का सुविधा नहीं, अब तो आप लोग का जो है रोड में मारेंगे और क्या करेंगे। अब तो आप लोग का घर जो है वो तो टूटा तय है। आज की रात जो है आप लोग की ठंड में राजधानी रांची की हिनू के बिरसा चौक में बीतेगी, रोड पर, रोड पे ही बीतेगी। कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से, कोई बहुत पड़ कोई व्यवस्था नहीं है हम लोग की तरफ से, हम लोग सरकार की तरफ से कम सरकार को सोचना चाहिए कि ठंडा में नहीं तोड़े। देखिए लोग, क्योंकि हम लोग का टाइम भी देना जरूरी है, टाइम हम लोग सरकार नहीं दिए। लोग चाहे तौर पर देखिए किस तरह से बिना नोटिस का जो है तोड़ दिया गया। देखिए यहाँ पर घर है, दुकान आप ही का घर भी आप ही का है, घर और दुकान है। देखिए बहुत सारी समस्याएं सामना करना पड़ रहा होगा। बहुत देर से हम देख रहे हैं दीदी कि आप मेहनत कर रहे हैं, आज आपका घर टूटने वाला है, कुछ सामान को बचा रहे हैं। क्या बोले, थोड़ा समय दे देते तो हम लोग अंदर कर लेते, हटा लेते यहाँ से। अच्छा, ये तो पता था ना कि रेलवे का जमीन आज नहीं तो कल टूटेगा। हाँ पता है, मगर हम लोगों को नोटिस नहीं दिया गया, साइड वाले को बोला गया था और बोले थे पीछे से टूटेगा, आगे से नहीं टूटेगा। आप लोग इत्मीनान रहिए, आज की रात आप लोग कहाँ बीतेगी, घर में बीतेगी या फिर रोड में या फिर बाहर? रोड में ही बिताएंगे, क्या करेंगे, सामान हटाने में टाइम लगेगा। हम लोग को थोड़ा मोहलत मिल जाता तो हम लोग कर लेते। लोगों का यही कहना है कि मुझे कुछ दिन का मोहलत दे दिया जाता तो हम लोग जो है तकरीबन, अगर आप नहीं दे पाते हैं पूरे ठंडा तक का, तो 20 दिन का जो है अगर आप मोहलत दे देते तो हम खाली कर देते, कहीं दूसरी जगह अपना गुजर बसरा कर लेते। आपने देखा होगा किस तरह से राजधानी रांची में जो है ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ते जा रहा है। और देखिए ये आपको अभी दिख तो बिल्कुल रहा होगा बाहर से अच्छा, लेकिन अभी से कुछ ही देर के बाद ये घर को भी जो है रेलवे के द्वारा जो दो जेसीबी मंगाया गया है, सुबह का एक काल बनकर जो हिनू बिरसा चौक के लोगों के बीच पहुंचा था, सुबह का एक अंधेरी रात जिसको बुला जाए, रात में इन्होंने जब खाना खा के सोया होगा अपने घर पर तो ये सोच के नहीं सोया होगा कि कल का सुबह हम उठेंगे और मेरा घर को तोड़ दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब, सर क्या चीज़ का नाम, एक बार आज भर हम अधिकृत ही नहीं है ये सब बोलने के लिए कुछ। सर मजिस्ट्रेट नहीं, हम मजिस्ट्रेट नहीं है, मजिस्ट्रेट साहब दूसरे हैं, ब्लू कट वाला, ब्लू जैकेट पहने हुए हैं पड़ रहा है। सर मजिस्ट्रेट साहब आज भर का ये लोग ठंड को कह रहे हैं कि मेरा अथॉरिटी नहीं है, ये कह रहे हैं कि ठंड बहुत है, आज भर के लिए मुझे माँ को कुछ हो जाएगा ना, सच बता रहे हैं हम, आप पे केस ठोकेंगे, हम सच बोल रहे हैं। सर दो दिन का टाइम दीजिए ना, अरे क्या कर रही हो ये, सर दो दिन का टाइम दीजिए ना, कर रही हो ये, माँ को देखिए आप, बार बार दांत लग रहे हैं, आज से थोड़ा सा मांग रहे हैं, थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं आपसे, देख रहे हैं ये बच्ची जो है थोड़ा सा टाइम मांग रही है। स्कूटी इंजीनियर सदर हैं और हम उनसे भी बातें करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर ये लोग दो दिन का समय मांग रहे हैं, दो दिन का समय, आदमी हो ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो फिर हमसे क्या कर, मजिस्ट्रेट की पावर है सर, ये लोग का क्या मजिस्ट्रेट अथॉराइज्ड है, ये लोग को आरोप है कि मुझे नोटिस नहीं दिया गया। अरे तो आप रेलवे प्रशासन से बात करोगे ना, रेलवे प्रशासन तो नोटिस दिया है भैया। यहाँ पर किस तरह से बेटी है और लोग यहाँ के जो है वो किस तरह से पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रही है, मजिस्ट्रेट जो है वो कह रहे इसके लिए अधिकृत नहीं है, आप रेलवे के पास जाइए, रेलवे प्रशासन के पास जाइए। हम यहाँ पे रेलवे के सीनियर अधिकारी हैं संतोष जी, संतोष जी, संतोष जी, रेलवे की तरफ से लोग बोल रहे हैं कि नोटिस नहीं मिला। देखिए रेलवे प्रशासन भी कुछ नहीं बोल रही है, हालांकि आज की रात देखने वाली होगी कि बिरसा चौक के लोगों की आज की रोड में बीतेगी या फिर किसी के मंत्री के आवास के बाहर बीतेगी या फिर कहां बीतेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी सूरज वर्मा के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, खबर 365 न्यूज रांची।
अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।